क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से आप जो अभी भी भ्रंतियां पाल के रखे हुए हैं कि पेट्रोल चोरी होता है? बताइए, ठोस एकदम बताइए, सच्चाई एकदम बताइए, क्योंकि सच बात चैनल है और अभी तक हम लोग प्रयास कर रहे हैं सच जानने का। लेकिन सच बताइए, क्या भारत में ऐसे पेट्रोल पंप 2% या 1% भी है जहाँ पर ऐसा हो सकता है? जैसा कि सवाल जैसा बताएं कि लोगों में बहुत सारी भ्रंतियां होती है, एक फैक्ट्स जो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो जाता है पेट्रोल पंप पर, कि 105 रुपया डलवाने में लोग अच्छा फील करते हैं, और वहीं अगर 500 का डलवाएं, 1000 रुपये का डलवाएं, तो उनको लगता है कि उसका कट गया हुआ, जैसे मतलब उनके साथ कुछ छल छलावा हो गया हुआ है, यानी पेट्रोल कटौती हो गई। लेकिन वही भ्रांतियाँ को दूर करने के लिए, ये सारी परेशानियों का हल लेकर के आज कंप्यूटर के सामने पहली बार साथ ये होगा जो मैनेजर साहब खुद कंप्यूटर के सामने आज समझाने वाले हैं कि ऑटोमेशन में क्या है, आप इसको समझेंगे कि किस तरह से इस तरह की चोरी बहुत कम देखी जाती। हाँ, क्या है सर, आप इसको आप बताइए, नोजल नंबर कितना है यहाँ? 2 नंबर। दो नंबर से कितना तेल बिका? 100 रुपये। 100 रुपये का बिका, ठीक है। टोटलाइजर कितना पे था? 932 पे, ठीक है जी। और ये 100 रुपये का कितना तेल हुआ, जितना लीटर में? बगल में रेट है, को एक भी अगर ML कम तेल जाएगा, मशीन लॉक हो जाएगा यहाँ पे। 1 ML भी वहाँ अगर कम चला जाएगा, ऑटोमेटिक मशीन लॉक हो जाएगा, कोई चोरी नहीं कर सकता इस ऑटोमेशन। 0% एकदम चोरी है यहाँ, मतलब 0% भी कोई चाहे चोरी करने के। हाँ, आप कोई बोले ना कि इस मशीन ऐसा है कि जिसमें बिना कुछ डाले इनपुट डायरेक्ट चाहेगा कि हम बेच रखे 500 का, अगला 600 का मांग रहा है, तो 500 वाला मीटर पर जैसे चला ले, कभी नहीं हो सकता है। आप 10 बार चेक कर सकते हैं, एवरी नोजल का रिकॉर्ड हो रहा है, एवरी नोजल टाइम सेकेंड्स के साथ। ये IOCL बैक ऑफिस से अरबों रुपए खर्च करके ये सब मशीन लगा रखी है, इसलिए नहीं ऑटोमेशन देती है, ये मैनुअल सिस्टम नहीं है यहाँ पे कुछ भी। यानी लोग लोग कितना मैं कुछ मिक्स करूँगा ना, उसको 1 सेकंड के अंदर पता चलेगा। दो सिम स्टैंड बाई में दे रखा है, इसलिए कि एक का नेटवर्क फेल हो तो भी मेरा मॉनिटरिंग खत्म ना होगा। नहीं, ये लोगों के अंदर जो एक तरह का समझे साइकोलॉजिकल माइंड बना हुआ है, माइंड सेट जो है उसके बारे में देखिए, मेरा हर मिनट का उसको रिपोर्ट जा रहा है, मेरे डेंसिटी भी, अगर मैं कुछ भी इसमें केमिकल मिक्स करता हूँ तो डेंसिटी तुरंत उसको दिखा देगा कि गलत मिक्सिंग हुआ है। मेरा बीप लेने के साथ ताला मार दिया जाता है। अगर किसी को पहले, जब तक ऑटोमेशन मेरा नहीं था 5 दिन तक, कोई तेल गलती से, कई बार ऐसा हुआ कि डीजल का ड्राम लेके आया और पेट्रोल के इधर रख दिया जी, और पेट्रोल का ड्राम लेके आया, डीजल की तरफ रख दिया और डीजल उसमें डाल दिया, तो उसने बोला कि नहीं, हमको पेट्रोल लेना था, वो तेल मेरे को वापस डालना पड़ता था। एक दिन गलती से ऐसा हुआ, 3 लीटर तेल वापस डाल दिया, मेरा दिन भर लॉक कर दिया उसने। ऐसा कुछ भी नहीं है चोरी। अच्छा, मैं 15-20 साल प्राइवेट जॉब करके यहाँ मेहनत करके यहाँ आया हूँ, मतलब ऐसे नहीं आया हूँ कि मैं कोई बड़े घर से हूँ कि लूटने के लिए आया हूँ। मैं क्लियर बोलता हूँ, जिसको भी डाउट है 1 ML का भी, वो आके यहाँ चेक कर सकता है ऑटोमेशन को। और एक सवाल और आपसे पूछेंगे, क्या इस तरह का जो माइंडसेट है लोगों का कि 100, 500 या 1000 पर कोडिंग किया जा सकता नहीं, है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है यहाँ के लिए, नहीं कहीं अदर जगह के लिए, वहीं के लिए नहीं। नया मशीन जो आया, पुराना कोई मशीन है मुझे नहीं पता, पर मेरा जो मशीन लगा उसमें पॉसिबल नहीं है। विदाउट कुछ फिक्स डाले कोई अमाउंट हम निकाल नहीं सकते, उसमें से एक बूंद तेल नहीं निकाल सकते हैं ज्यादा। जैसे आप इस लाइन से जुड़े हुए हैं, इस क्षेत्र से, हम इस क्षेत्र से जुड़े हुए 2 ही महीना हुआ है, पर 2 महीने के एक्सपीरियंस पे हम बताएंगे। इससे पहले हम IT सेक्टर में 15 साल काम किए हैं, इसलिए इस चीज़ों को समझने में मेरे को देर नहीं लगता है जी। बोला कि हमको 100 रुपया में फुल कीजिए, मतलब मेरा फुल हो जाएगा, डालिए 100 रुपये का, उसका नहीं गया तेल, नहीं, 1 ML भी बच गया, तो यहाँ मशीन लॉक हो जाएगा। भी भी। अगर इसको दूसरे वे में आप समझे कि अगर वो मेरा नोजल मैन चोरी करेगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि तूने गलत दिया है तेल, भाई क्यों लॉक हो गया। सिस्टम में सब सेव हो रहा है कि सब रोका, कितना आप देखिए ना, खड़े हैं ना, हर सेकंड का यहाँ अपडेट हो रहा है, देखिए 10-16 का, एवरी मिनट का रिकॉर्ड है, हर नोजल का रिपोर्ट निकाल के आता है। और मैं ही नहीं, बैक ऑफिस करोड़ों रुपया डाटा सेंटर इनका बना हुआ है, ऐसे नहीं है कि मतलब। धन्यवाद सर, ये तो। और सर जो बताएं, ऐसा होता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये भ्रांतियां हैं जो लोगों को लगता है, बस ऐसे ही लगता है कि हाँ नहीं, 100 पर कोडिंग या 200 पर या 500 पर कोडिंग हो सकता है, लेकिन प्रमाण के तौर पर सर बता दिए कि ऐसा नहीं होता। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से आप जो अभी भी भ्रंतियां पाल के रखे हुए हैं कि पेट्रोल चोरी होता है? हाँ या ना? हम नहीं बता सकते, अगर पहले अगर ऐसा होता होगा तो यहाँ तो मतलब अभी जो लोकल में नहीं, लेकिन क्या ऐसा हो सकता नहीं, है नहीं, अभी जो इसको लाखों लोग बाद में देखने वाले हैं, इसको लाखों लोग बाद में देखने वाले हैं, तो उनको हम ये भ्रांति में नहीं डाल सकते हैं कि हाँ ऐसा हो ही नहीं सकता है ना? हो सकता है, जहाँ पे अगर 10-15 साल पुराना मशीन वगैरह हो तो वहाँ पे हो सकता है, बट लेकिन 5-7 साल पहले अभी जो मशीन जो लगा है उसमें अगर चाहिएगा कि हो जाए तो संभव नहीं है।
तो ये एक बात, इनके बात में थोड़ा सच्चाई नज़र आई कि पुराने 10 से 15 साल पुराना जो होगा ना अभी से, उस पर पेट्रोल पंप पर थोड़ा सा गड़बड़ी का कुछ परसेंट चांस हो सकता है। लेकिन नए वाले में अभी जो है मशीनरी डेवलपमेंट चल रही है, तो मशीनरी डेवलपमेंट होने के कारण और टेक्निकल जो अभी मशीन बढ़ा है उसके कारण आपको है सो ये सब समस्या देखने को नहीं मिलेगा। इस पर हम 100% नहीं कह सकते। सच न्यूज़ के साथ बने रहिए, और आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप जहाँ भी शेयर करते हैं शेयर करें और सच का साथ दें। हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।